टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज, देखिए एक एनर्जी जो है इनसाइड एन एटम जो है वो आपके लेस देन जीरो होता है, शून्य से भी, चूंकि निगेटिवली चार्ज है, इट्स ए लेस देन जीरो। और जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है तो बहुत सारी एनर्जी को देना पड़ता है कि वो निगेटिव से ज़ीरो हो और ज़ीरो से फिर पॉजिटिव हो। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, शून्य से भी कम होता है, लेस देन जीरो। नाउ द नेक्स्ट, ए सेकेंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज, सेकंडों का लोलक वो लोलक है जिसकी समय अवधि, देखिए एक जिसको हम सेकंड पेंडुलम बोलते हैं वो किसी एक्सट्रीम पोजीशन से बीच के पोजीशन में आने में एक सेकंड लगता है, लेकिन एक जब हम भी जानते हैं कि पेंडुलम है कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस को जाता है, तो दो एक्सट्रीम पोजीशन को जाने के लिए उसे दो सेकंड लगेंगे। नाउ द नेक्स्ट, ए जग फिल्ड द ब्राइम वाटर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, ए पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन इट द मोमेंट द आइस मेल्ट्स। देखिए ये नमक का पानी है, इसमें एक आपका बर्फ तैर रहा है, तो नेचुरली है कि आप जानेंगे कि जब भी बर्फ, ये सवाल बहुत तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, क्योंकि चार डिग्री से भी आइस का जो है वॉल्यूम ज़्यादा होता है पानी से, लेकिन जब भी ये आइस मेल्ट करेगा, क्योंकि आइस का ज़रा इस समझ लीजिए, पानी से जब आइस बना तो उसका वॉल्यूम बढ़ा था, जब ये आइस से फिर पानी बनेगा उसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो नेचुरली क्या होगा कि वो मतलब जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, वाटर लेवल इज अनचेंज्ड। द मॉडरेटर यूज इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज, मॉडरेटर मतलब होता है कूलिंग एजेंट। तो कूलिंग एजेंट जो है अमेरिकन जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर यूज होता है, नॉट द हैवी वाटर। तो ये ऑर्डिनरी वाटर एक मॉडरेटर की तरह काम करते हैं। इनका काम है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो यूज जो हीट उत्पन्न होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके खुद ही ये वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज द मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज ऑर्डिनरी वाटर। नाउ द नेक्स्ट, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश की किरण एक साल में कितनी दूरी तय करने की ये है, क्या कहते हैं, इकाई है। तो ये जो है दूरी, डिस्टेंस का माप है। बेसिकली हम जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो मतलब है कि अंतरिक्ष की दूरी को जो मापते हैं उसे लाइट ईयर में मापते हैं। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में वो गोल सा बल्ब जो होता था उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना हुआ रहता है। याद रखेंगे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और हीटर में जो वायर यूज होता है वो नाइक्रोम है। टंगस्टन क्या है, आपको प्रकाश देता है, नाइक्रोम क्या है, आपको ऊर्जा मतलब क्या कहते हैं, गर्मी देता है। तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। नाउ द नेक्स्ट, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसे फोटोवोल्टेइक सेल बोलते हैं। फोटोवोल्टिक, फोटो मतलब होता है लाइट जो रोशनी, और वोल्टिक मतलब वोल्ट में परिवर्तन हो जाना, इलेक्ट्रिक में परिवर्तन हो जाना। तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो है, फोटोवोल्टिक सेल जो है, वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन, ध्वनि तरंगे चल नहीं सकती है। देखिए लाइट तरंग को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है,
लेकिन ध्वनि तरंग को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसके लिए ये ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में चल सकती है, लेकिन निर्वात में, वैक्यूम में ये चल नहीं सकती है। तो साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम या निर्वात। नाउ द नेक्स्ट, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑब्लिक क्वांटम ऑफ। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट और मात्रा है? तो पी से फोटोन है, पी से प्रकाश है। तो लाइट का जो यूनिट है उसे हम फोटोन में मानते हैं। लाइट का जो फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटम है, वो है फोटोन। नाउ द नेक्स्ट, द न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग नो मास मास एंड नो चार्ज बट वनली स्पिन इज। तो हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियर पार्टिकल जो है जिसमें ना कोई मास होता है, मतलब थोड़ा बहुत मास होता है, और कोई चार्ज तो होता ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो में क्या है? न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं है और ना के बराबर मास है। तो न्यूट्रिनो जो है, जिसे न्यूट्रॉन भी बोला जाता है, वो आपका कोई चार्ज नहीं होता है, मास बहुत ही हल्का होता है। ये दो सवाल एटमॉस्फेयर के ऊपर है। आप जानते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसको आते हैं 49। द एम्बाइंट एयर इज स्टेबल व्हेन द एम्बाइंट लैप्स रेट इज। परिवेश रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो बोला जाता है कि जब परिवेश रास दर जब सब एडियाबेटिक होता है, जब एम्बाइंट एयर स्टेबल कब होगा? जब एम्बाइंट लैप्स रेट जो होगा सब एडियाबेटिक होगा। जब सब एडियाबेटिक आपका एम्बाइंट लैप्स रेट होता है, तो बोला जाता है कि आपका एम्बाइंट एयर इज स्टेबल। थोड़ा सा अपवर्ड टर्बुलेंस होता है, बाद बाकी जो है एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट, द फिल्टर ओवर विच सीवेज इज स्प्रिंकल्ड इज कॉल्ड एज। जिस फिल्टर पर मलजल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे ट्रिकलिंग फिल्टर बोलते हैं। ये पत्थर और क्या कहते हैं, स्टोन्स और सीमेंट्स के बने हुए रहते हैं। इस सीवेज के ऊपर से जब पानी जाता है, पानी हल्का रिस रिस के नीचे की तरफ चला जाता है, लोअर बेड में चला जाता है, अपर बेड में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स तो रह जाते हैं। तो इस तरह के सीवेज को क्या बोला जाता है? इसे ट्रिकलिंग सीवेज या ट्रिकलिंग फिल्टर या रिसाव फिल्टर बोला जाता है। द पर्पस ऑफ चोक इन ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज। फ्लोरोसेंट लैम्प का मतलब क्या होता है? हम जिसको मरकरी बोलते हैं, तो ट्यूबलाइट बोलते हैं। तो ट्यूबलाइट में चोक का प्रयोजन क्या होता है? देखेंगे, ट्यूबलाइट के बीच में एक चोक होता है। तो देखें, ट्यूबलाइट में चोक का जब होता है, क्योंकि ट्यूबलाइट के अंदर में आपके रेज मूव करते हैं, मतलब एनोड से कैथोड की ओर जब ये रेज मूव करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको मैक्सिमम करंट चाहिए होता है। तो टू डिक्रीज द करंट फ्लो, चोक का इस्तेमाल किया जाता है करंट प्रवाह को बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि ये जो आपका ट्यूबलाइट है, ये इसमें तो ज़रूरत जो होता है वो करंट का हर क्षण बढ़ने की कोशिश होता है। तो उसको पकड़ के रखने के लिए, करंट के फ्लो को कम करने के लिए आपका ये चोक बनाया जाता है। एट द सेम टाइम जब आपका ये ट्यूबलाइट जलना शुरू होता है, तो एक हाई वोल्टेज इम्पीडेंस की ज़रूरत होता है, जिसके लिए भी आपका चोक इस्तेमाल किया जाता है। तो चोक का मेन काम है कि करंट के प्रवाह को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट, द अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट इज लेस देन द रियल वेट व्हेन। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? कब कम होगा? जब आप नीचे की तरफ आएंगे, आपका वजन कम महसूस होगा, वो भी एक स्पीड में नहीं, एक्सेलरेटेड स्पीड में,
मतलब त्वरण की गति से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके वजन में कमी महसूस होगा. द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन. जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब आपको वजन की कमी महसूस होगा. रेनबो आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट. इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल के वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन और आंतरिक परावर्तन इंटरनल रिफ्लेक्शन होने पर विकीर्ण हो जाता है, मतलब स्कैटर हो जाता है. तो हम बोलेंगे क्या, इंसिडेंट ऑन रेन ड्रॉप्स हैंगिंग इन द एटमोस्फेयर इज डिस्पर्स्ड आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन. हाँ देखिए, जब ये पानी की बूंदें जब हवा में तैरती है तब उसके ऊपर जब सूरज के प्रकाश की किरण गिरने के बाद, मतलब प्रकाश की किरण जो गिरने का जो एंगल उसके ऊपर निर्भर करता है, वो कोण जो है उसके उस जिस कोण से गिरती है उससे अगर उन बूंदों के अंदर प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन मतलब रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तभी ये प्रकाश की किरणें जो है ना अपने सात रंगों में विकीर्ण हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, जिसके कारण हमें एक इंद्रधनुष दिखता है. तो क्या होगा, ये दूसरा जो है ये क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन और आंतरिक परावर्तन मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन होने पर लाइट स्कैटर्ड होती है. नाउ द नेक्स्ट एब्रीविएशन LHS स्टैंड्स फॉर विच मशीन. LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त किया जाता है. देखिए LHC जो है उसे लार्ज हार्डन कोलाइडर बोलते हैं. ये विश्व का सबसे बड़ा जो है जिसे स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में जमीन के नीचे जो है ये बनाया गया था कोलाइडर, जिससे हमें बोसोन पार्टिकल के बारे में जानने की कोशिश किया गया था. तो ये विश्व का सबसे बड़ा आपका सिंगल मशीन भी बोला जाता है. विश्व का सबसे बड़ा सिंगल मशीन क्या है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. Which of these travels in glass with minimum velocity? निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है. तो देखिए जब कांच होके कोई लाइट जाता है तो उस लाइट का स्कैटरिंग होता है, लाइट अपने क्या कहते हैं सात रंग में बिखर जाता है, रेड लाइट से वायलेट लाइट, और जिस लाइट का वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है उसकी स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी. फिर से दोहराता हूँ, जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी. तो हम जानते हैं कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो नेचुरली रेड लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और वायलेट बैंगनी कलर की रोशनी जो है उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, इसके लिए उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी. तो लाइट की जो कलर्स होते हैं उनकी वेलोसिटी उनके वेवलेंथ पे ऊपर निर्भर करती है. रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसलिए रेड लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, वेरस वायलेट लाइट की जो है वेवलेंथ सबसे छोटी होती है इसलिए वायलेट लाइट की वेलोसिटी जो है सबसे कम होता है. नाउ द नेक्स्ट द फेनोमेनन विच कॉज मिराज इज. मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो हम जानते हैं कि मरीचिका जो है रेगिस्तान में बनता है उसका कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन. नाउ द नेक्स्ट ए पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून सरफेस देन ऑन द अर्थ बिकॉज. ये तो इतना बार सवाल पूछा गया कि मत पूछिए. एक व्यक्ति
पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। पृथ्वी जितनी जोर से हमें खींचती है उसके 6 भाग के 1 भाग के बराबर चंद्रमा खींचती है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का, चंद्रमा के मुकाबले 6 गुना है। तो अगर हम पृथ्वी में 1 फीट हम कूदते हैं तो कूद सकते हैं, तो चंद्रमा पर क्या होगा, हम 6 फीट तक कूद सकेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द अर्थ। तो हमको आंसर नंबर 2 पे टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इनडिफरेंस कर्व? तो इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं, इनडिफरेंस कर्व मतलब होता है अनादिमान वक्र। अनादिमान वक्र जो है वो उनमें एक दूसरे में कोई संबंध नहीं होता है और वो कन्वेक्स होते हैं, उत्तल होते हैं। नेचर मीन्स की ओरिजिन जो है उत्तल होते हैं, वे दाईं ओर झुके हुए रहते हैं, वे एक दूसरे के मोटा मोटी समानांतर होते हैं, ये भी सब सही है। लेकिन वो क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, मतलब वो जो होते हैं कन्वेक्स नेचर के होते हैं। तो आपके इनडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होते हैं, उत्तल होते हैं। तो इसमें कौन सी फीचर जो है जो आपको इनडिफरेंस कर्व की फीचर नहीं है, दे आर कॉन्केव टू इच अदर, वे एक दूसरे से अवतल होते हैं, वो नहीं है, वो एक दूसरे से उत्तल होते हैं। तो यहां पे गलत जो बयान है वो 4 नंबर है। नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाई द चेंज इन एयर टेम्परेचर? देखिए, जब एयर वातावरण का तापमान बढ़ जाता है तो आपका, हम इससे देखा गया है, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि साउंड वेव की वेलोसिटी बढ़ जाती है, साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। और साउंड की वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब उसकी वेवलेंथ में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वायुमान के मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, तापमान में चेंज होता है, तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। और साउंड की वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है उसकी वेवलेंथ में बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हम इस पे 4 नंबर पे टिक करेंगे। ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m एंड वेलोसिटी a इज फायर्ड इन टू ए लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास कैपिटल m, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज। तो बोलता है कि द्रव्यमान छोटी m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान बड़ी m के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में डाली जाती है, सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? तो देखिए, एनर्जी कितने किस में थी, एनर्जी थी गोली में, गोली का वजन क्या था, स्मॉल m, और उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या था, वो था a। तो फिर शक्ति कितना हुआ, m इंटू a, मास इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दैट इज द पावर, दैट इज सॉरी मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू a। और यही अब पूरे सिस्टम का अगर वेग होगा होना है तो पूरे सिस्टम का वजन अब कितना हो गया, कैपिटल एम और स्मॉल एम, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो फिर आपकी टोटल जो होने वाली है वो क्या होगा, तो वो होगा जो है वो होगा आपका एनर्जी बाई वजन, या एम इंटू ए बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, मतलब छोटी गोली का द्रव्यमान गुना वेग बटे होगा सिस्टम का कंप्लीट वजन। सिस्टम का कंप्लीट वजन में क्या है, 2 वजन है, एक छोटा वजन है स्मॉल m प्लस कैपिटल m। तो 2 नंबर पे जो होगा उस पे हम टिक मारेंगे। नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर।
देखिए प्रेशर को मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एनेरॉइड बैरोमीटर दिया हुआ है, तो आफ्टर ऑल ये वन टाइप ऑफ बैरोमीटर है और बैरोमीटर से हम हवा के दाब को मापते हैं, जैसे थर्मोमीटर से हम तापमान मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम पानी में जल वाष्प को मापते हैं, एनीमोमीटर से हम क्या कहते हैं बिजली के करंट को मापते हैं, उसी तरह बैरोमीटर से हम प्रेशर को, हवा के प्रेशर को मापते हैं। तो यहाँ पे हम दो नंबर पे टिक करेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा का यूनिट क्या है? तो भैया विद्युत धारा का यूनिट जो है वो एम्पियर है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नाउ द नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है? तो हम जानते हैं कि डायनामो जो है, डायनामो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, मतलब यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में चेंज करता है। नाउ द नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए बैटरी? तो बैटरी में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल कौन से होता है विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में जो चेंज होता है वो बैटरी के तहत होता है। तो बैटरी में तो कौन सी ऊर्जा रहता है, तो नेचुरली एक नंबर होगा रासायनिक ऊर्जा रहता है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा रहता है जो आपके विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज होता है। द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव्स इज 25:9, वट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, या हिंदी में बोलें तो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार मतलब एम्पलीट्यूड का अनुपात क्या होगा? देखिए एम्पलीट्यूड और जो इंटेंसिटी विस्तार और के अनुपात जो है वो वर्ग का अनुपात होता है, अर्थात है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अगर दो आपके वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर मतलब वर्ग वही होता है उनके उन वेवों के इंटेंसिटी का रेशियो, अर्थात अगर एम्पलीट्यूड 5:3 है तो उन वेव का जो इंटेंसिटी का रेशियो स्क्वायर फॉर्म में होगा 25:9, अर्थात अगर इंटेंसिटी ऑफ रेशियो 25:9 है तो आपका एम्पलीट्यूड का रेशियो उसका वर्गमूल होना होगा, तो 25 का वर्गमूल हुआ 5, 9 का वर्गमूल हुआ 3। नाउ द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ इन ए कॉयल इज ट्रिपल्ड विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द कॉयल, इट्स सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस बिकम। देखिए सेल्फ इंडक्टिंग कॉयल्स में जो है उसमें अगर आप टर्न जितना बढ़ाएंगे उसका वर्ग में होगा उसकी सेल्फ इंडक्टेंस, अर्थात अगर हम बोलते हैं कि जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना 3 गुनी कर दी जाती है तो उसके प्रेरकत्व में कितना हो जाता है, प्रेरकत्व जो है उसके स्क्वायर में होगा, तो आपकी लंबाई में कोई चेंज नहीं हुआ है लेकिन टर्न मतलब कुंडलों में जो है वो 3 गुना कर दिया गया, मतलब तार की सम लंबाई से पहले 5 मीटर था, उससे जो हमने कॉयल बनाया समझ लो उससे कॉयल में केवल 10 टर्न था, अब 10 टर्न के जगह 30 टर्न कर दिया गया तो उसके प्रेरकत्व जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा, उसका स्क्वायर में होगा, 3 है तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा, अगर ये 4 गुना होता तो 16 टाइम्स हो जाता। तो when the number of turn in a coil is tripled without any change in the length of the coil, its self inductance will be in the will be the square of the turn, that is it will be a 9.
Which of the following pairs of physical quantities have the same dimension? निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो देखिए वर्क और एनर्जी, शक्ति, कार्य और ऊर्जा, ये जो है ये दोनों का जो डायमेंशन होता है वो एक समान होता है, तो इनकी जो फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होता है वर्क और एनर्जी का, तो इसे आप जरूर याद रखें, वर्क एंड एनर्जी का जो आपका डायमेंशन होता है, आयाम होता है, वो बराबर होता है। वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, तो वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व, पानी का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। देखिए माइक्रोफोन में आप भी देखें, माइक्रोफोन के हाथ में लेके लोग बोलते हैं और उससे एक तार लगा हुआ हो रहता है, मतलब ध्वनि ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट में चेंज हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, साउंड एनर्जी जो है वो करंट सिग्नल में चेंज हो जाता है, तो ध्वनि सिग्नल जो है वो धारा सिग्नल में चेंज हो जाता है, साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल। नाउ द नेक्स्ट, व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड टुगेदर दे जॉइन टू फॉर्म वन क्यूब, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू होल्ड देम टुगेदर। जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाता है तो वो मिलकर एक घन बना लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? देखिए ऐसे जब आप दो बर्फ को आप दबाते हैं तो बीच के जहाँ पे वो दो टुकड़े में हैं वहाँ की पानी में जो बर्फ का पोर्शन है वो गलने लगता है प्रेशर के कारण, और जैसे ही आप प्रेशर हटा देते हैं तो वो तुरंत फिर जम जाता है, तो इसको हम बेसिकली जो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया बोलते हैं, या हाइड्रोजन आबंधन का बनना बोलते हैं। तो इसके कारण जो है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण जो है, जब दो बर्फ के टुकड़े को दबाया जाता है तो वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, प्रेशर कुकर जल्दी पकता है क्योंकि, देखिए प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद रहता है तो जैसे जैसे आपका पानी नीचे से गर्मी मिलता है तो ऊपर पानी जो है वाष्प बनने लगता है, वाष्प निकल नहीं पाता है तो वाष्प क्या करता है, प्रेशर कुकर के अंदर में प्रेशर को बढ़ाने लगता है, जैसे जैसे प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ता हुआ जाता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर की तरफ उठने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, कम नहीं होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर में ज़्यादा होने लगता है, जिससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या किसे कहते हैं, जब द्रव्य अवस्था से कोई चीज़ को वाष्प अवस्था में जाने के लिए जो हीट की ज़रूरत होती है उसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है तो लेटेंट हीट बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, सब्जियों को ज़्यादा टेम्परेचर मिलने लगता है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि जब प्रेशर कुकर में फास्ट कुक इसलिए होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऊपर हो जाता है, क्वथनांक ऊपर हो जाता है, जिससे लेटेंट हीट ऊपर हो जाता है, जिससे खाने को हायर टेम्परेचर इज अटेन फॉर कुकिंग, मतलब पानी की जो प्रेशर जो है 100 डिग्री के जगह पे जैसे प्रेशर बढ़ता है 110 डिग्री हो जाता है या 120 डिग्री हो जाता है जिस तरह का प्रेशर होगा, तो खाने को जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसके खाने के पदार्थ को जो होता है, जिसे हमने दाल दिया हुआ है उसे पानी तो 100 डिग्री में आप जानते हैं खौलता है, तो वहाँ पे 100 के जगह 110 120 डिग्री हो जाता है, तो मतलब दाल को ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है जिससे दाल सिज जाता है। नाउ द नेक्स्ट, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द लाइट विल, जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो क्या होगा? तो
तो कहने का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर में आपके छोटे छोटे कण जो है वो पानी के साथ पूरा मिक्स नहीं हो जाते हैं, द्रव के साथ पूरा मिक्स नहीं होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण के रूप में वो पूरे पानी में के अंदर या कुछ की क्या द्रव्य के अंदर में वो मिले हुए रहते हैं, वो तैरते हुए रहते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं। जब उसमें से आप लाइट बीम डालिएगा तो इन कण से जो है ना रोशनी गिर के रिफ्लेक्शन होता है, और ये रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड होता है, ये विकिरण होता है, तो द लाइट विल बी स्कैटर्ड। कोलाइडल सॉल्यूशन है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं, बल्कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है वो आपका फ्लोटिंग कंडीशन में पार्टिकल्स के रूप में रहते हैं। जैसे ही रोशनी गिरती है तो रोशनी क्या होता है, उन पे गिरने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और जिसको हम विकिरण प्रक्रिया बोलते हैं या स्कैटरिंग फेज बोलते हैं। तो जब भी ये रोशनी गिरेगी तो वो स्कैटर्ड हो जाएगा। Which of the following is the unit of energy? तो देखिए किलोवाट, किलोवाट जो एक्चुअली क्या है कि हमारे मीटर रीडिंग का वन यूनिट जो बोलते हैं वो किलोवाट में होता है, ये किलोवाट जो है इट्स ए यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई जो होता है दैट इज किलोवाट होता है। नाउ द नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए समर डेज वाटर केप्ट इन ए अर्थन पॉट becomes cool because the phenomenon of गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा गया पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित घटना का कारण क्या है। देखिए मिट्टी के बर्तन में क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं मिट्टी में जिसे पानी जिसके हल्का सा बाहर में आ जाता है और वहाँ पे पानी वाष्पीकरण होता है, एवापोरेशन होता है। इस पानी को वाष्प बनने के लिए उसे लेटेंट हीट की जरूरत होती है, वो लेटेंट हीट जो पानी के अंदर से लेता है, इसका कारण पानी ठंडा हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग समर डेज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ एवापोरेशन, वाष्पीकरण के चलते, या गर्मी के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा गया पानी ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के चलते। नाउ द नेक्स्ट, द आउटर पार्ट ऑफ ए रेलवे ट्रैक नियर द बैंड ऑफ और ए कर्व इज जनरली रेज्ड, रेलवे ट्रैक के जोड़ के निमोड़ के निकट या वक्र के निकट साधारणतः उठाया जाता है। हाँ, उसका क्या होता है, बाहरी हिस्सा उठाया जाता है, अंदर का हिस्सा नीचे रहता है। तो ये क्यों, क्या कारण है, जबकि कोई चीज बड़े वेग में किसी अगर इसमें घूमती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे गाड़ी को रास्ते से चिटक जाने की प्रवणता होती है, इसको रखने बैलेंस करने के लिए उसमें उतना ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात केंद्राभिसारी बल उत्पन्न करना जरूरी होता है जिसके लिए ट्रैक को मोड़ दिया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, आवश्यक केंद्राभिसारी बल उत्पन्न करने के लिए रेलवे ट्रैक के मोड़ के निकट या वक्र के निकट सामान्यतः उठाया जाता है, या टू प्रोड्यूस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स द आउटर पार्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक नियर द बैंड और ए कर्व इज जनरली रेज्ड। देयर इज ए टेम्परेचर एट विच डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज, एक तापक्रम जिस पर डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का संख्यात्मक मान समान होता है, ये संख्यात्मक मान क्या है, -40 डिग्री, अर्थात -40 डिग्री का मान जो है फारेनहाइट -40 डिग्री एफ बराबर होता है -40 डिग्री सी, मतलब -40 डिग्री फारेनहाइट एकदम बराबर होता है -40 डिग्री फारेनहाइट पे सेंटीग्रेड से, -40 डिग्री फारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज कर्ड ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डे बिकॉज, देखिए ध्वनि जो है आपके बरसात के दिनों में ज्यादा दूर तक सुनाई पड़ता है, क्यों,
क्योंकि आपका जो है ध्वनि आद्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करता है. साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, क्योंकि वेवलेंथ उनकी बढ़ जाती है. साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, ध्वनि आद्र वायु में, क्योंकि वर्षात के दिन में वायु आद्र होता है, वो उसके लिए अधिक तेजी गति से यात्रा करता है, जिसके लिए वो अधिक दूर तक सुनाई देता है. Now, railway track are banked on curves so that वक्र पर रेलवे ट्रैक उठे हुए क्यों होते हैं? देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेचुरली इसका उत्तर भी क्या होगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ट्रैक, जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्रभिसारी बल को प्राप्त किया जाए. तो हमने बोला हुआ था इससे क्यों उठाया जाता है कि आवश्यक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जरूरत की जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, क्योंकि वक्र में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है ट्रेन हो, गाड़ी हो, जो भी हो, इस मोड़ पे अपने रास्ते से बाहर की तरफ छिटकने की प्रवणता होती है. इसके लिए उस जगह पे रास्ते को एक साइड थोड़ा उठा दिया जाता है, बाहर के साइड को, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना बढ़ जाए कि वो आपस में दोनों को बैलेंस कर ले. नाउ द नेक्स्ट, एब एंड फ्लो इज, एब और फ्लो क्या है? तो देखिए ये 2011 में नासा से छोड़ा हुआ एक ग्रेविटी मैपिंग सेटेलाइट्स है, या आप हम बोल सकते हैं उसे लॉन्चिंग व्हीकल्स है, जिसका नाम है ग्रेल. ग्रेल का फुल फॉर्म है ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, जो 2011 में आपके क्या इसमें लॉन्च व्हीकल में आपका छोड़ा गया था. इसका इनका काम क्या था, ये एब और फ्लो ये अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, इनका काम क्या था कि ये चांद के अंदर के पे जाएं और अपने जो है क्या कहते हैं उसे ग्रेविटेशनल फील्ड मैपिंग सिस्टम के द्वारा वो अंदर के चांद के अंदर के सतहों को, मतलब जहाँ पे हम अभी हमारे स्पेस शटल नहीं पहुँच सके हैं, वहाँ पे जाके वहाँ के वो चीज़ों का जो है उसका जो है ग्रेविटेशनल मैपिंग करें. तो इसका है कि एब एंड फ्लो इज ए ग्रेविटी मैपिंग सैटेलाइट ऑफ नासा, ये 2011 में बना था. एब एंड फ्लो इज ए ग्रेविटी मैपिंग सैटेलाइट ऑफ नासा. एब और फ्लो जो है नासा का एक गुरुत्व मैपिंग उपग्रह है. द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग ए, देखिए कोई चीज़ जितना खट्टा होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन उतना ही बढ़ जाता है. और किसी चीज़ की खट्टापन को हम किससे मापते हैं, पीएच मीटर से मापते हैं. तो पीएच मीटर जो है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन में मापा जाता है. नाउ द नेक्स्ट, व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, देखिए ये तो इसके लिए हल्का सा जानते हैं कि जब दाल नहीं सीझता है तो पानी में लोग नमक मिलाते हैं. नमक मिलाने से क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. मतलब दाल को सीझने के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत थी, नमक मिला दिया तो पानी का तापमान 100 डिग्री से 110 डिग्री हो गया, जिससे आपका बहुत जल्दी ही दाल सीझ जाता है. नाउ द नेक्स्ट, ए प्लम बॉब इज हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार. इफ द कार मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, द एंगल मेड बाई द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज, एक कार की छत पर एक प्लम बॉब लटका है. यदि कार ए त्वरण से चल रही है तो ऊर्ध्वरी डोरी द्वारा बनाया जाने वाला कोण, देखिए चूंकि गाड़ी ए दिशा से चल रही है, एक्सेलरेशन से चल रही है, तो उसकी जो हम
उसके कारण जो बॉब की जो एंगल बनेगी उसके लिए हम एक मनी मन चूंकि काल्पनिक रूप से हम कल्पना करते हैं, तो हम जानते हैं कि देखिए इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्षैतिज दिशा में है, हॉरिजॉन्टल दिशा में है, और कार की जो बॉब को खींच रहा है जी जो है वो आपके किस में है, वर्टिकल दिशा में है। तो हम अगर टैन थीटा लेते हैं, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब है कि जी है, जी क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण है जो आपके इस त्रिभुज के लंब को दर्शाता है, परपेंडिकुलर को दर्शाता है, और जो एक्सेलरेशन ए है वो क्या है, आधार को दर्शाता है। तो टेन थीटा बराबर मान लेते हैं कोण थीटा बनता है, टेन थीटा बराबर जी बाई ए होगा। लेकिन देखिए टेन थीटा बराबर जी बाई ए कहीं नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें टिक मारेंगे, टेन इनवर्स मतलब कॉट थीटा, टेन इनवर्स ए बाई जी करेंगे जो आपका टेन जी बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो हम दो पे टिक मारेंगे। The phenomenon of light splits up into seven distinct colors when it passes through a prism is, मतलब होता है कि लाइट जो जब प्रिज्म में गिरता है वो सात रंग में बढ़ जाता है, उसे क्या क्या कहते हैं, या हिंदी में अगर पूरे इस क्वेश्चन को पढ़े, प्रिज्म से गुजरने वाले सात विभिन्न रंगों में विभक्त प्रकाश की परिघटना को क्या कहा जाता है, इसे डिस्पर्शन कहा जाता है या परिक्षेपण कहा जाता है। जब किसी कोई जब रोशनी अपने सात रंगों में विक्षेपित हो जाती है उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं या परिक्षेपण कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट, ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप एंगल थीटा स्लाइड्स डाउन विद ए कांस्टेंट स्पीड, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एक इंक्लाइंड मतलब हाँ चलिए कोण थीटा के ढाल के आनत समतल पर रखा एक ब्लॉक एक समान गति से नीचे की ओर सरकता है, गतिज घर्षण का गुणांक किसके बराबर होगा, तो गतिज घर्षण का गुणांक जो होगा वो होगा आपके आधार बटे कर्ण के बराबर होगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है वो अगर क्षैतिज में होता उतना होता, और अगर ट्रायंगल ऑफ कर्ण क्या है अभी जो वो ढाल के स्पेस में है, तो ये बराबर होता है कॉस थीटा। नाउ द नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन ऑन द सरफेस द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, ये तो बहुत ही स्वाभाविक बुद्धि की बात है, सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा नेचुरली बढ़ जाएगी। प्रकाश की तीव्रता जितनी बढ़ेगी आपका उस फोटोवोल्टेइक सेल में, तो वो प्रकाश की धारा जो है करंट जो है उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द शार्पनेस ऑफ इमेज इन ए कैमरा, तो देखिए कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है, तो उसकी एपर्चर द्वारक एपर्चर वो निर्णय करता है। तो कैमरे में जिस होल से लाइट आता है, जिस छिद्र से लाइट आता है, उस छिद्र की शेप पे मतलब उस छिद्र में कितना बड़ा छिद्र है उसके ऊपर आपका निर्भर करता है कि इसकी तीक्ष्णता कितना होगी, इमेज जो बनेगा वो कितना शार्प होगा। MRI मतलब इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। तो MRI मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, MRI में क्या होता है, हमने अब खुद ही बोल रहे हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज इसका फुल फॉर्म है, तो नेचुरली उसमें मैग्नेटिक वेव ही इस्तेमाल होता है। नाउ द नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, देखिए इसने वाटर वेपर बोला है, ड्रॉपलेट्स नहीं बोला है, तो नेचुरली इसको ह्यूमिडिटी आर्द्रता के रूप में हम मापते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी और आर्द्रता। Lakes freezes in cold countries in winter, leaving the water underneath it. ठंडे देशों में शीतकाल में झीलों की पानी के को नीचे छोड़ते हुए
कितने तापमान पर जम जाती है, तो ये 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, क्योंकि चार डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, पानी नीचे चला जाता है, ऊपर का पानी बर्फ़ में जम जाता है, तो जिसके कारण कि इस बर्फ़ के कारण क्या है कि वातावरण का ठंडा जो है वो नीचे नहीं आ पाता है। इसके लिए हर ठंडे जगहों में क्या होता है, ऊपर बर्फ़ जाता है, नीचे पानी रहता है। नाउ द नेक्स्ट, इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। बढ़ता हुआ वेवलेंथ होगा तो पहला एक्सरे आएगा, एक्सरे से इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, इंफ्रारेड के बाद दृश्य जो है विजिबल जो लाइट है उसका ज़्यादा है, माइक्रोवेव उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है रेडियोवेव। तो एक्सरे, इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रोवेव, ये एज पर द क्वेश्चन सही चॉइस है। नाउ द नेक्स्ट, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन मॉडरेटर आर यूज टू अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पे देखिए न्यूट्रंस है, तो आपका जब भी आपका इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रंस बनते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है, दैट इज द एब्जॉर्ब द न्यूट्रंस, दैट इज द एक्सेस न्यूट्रंस। लेकिन अगर ये कैडमियम होता है तब, अगर आज के जो 75% से ज्यादा जो रिएक्टर्स हैं उसमें जैसे हैवी वाटर भी नहीं लाइट वाटर इस्तेमाल किया जाता है, तो लाइट वाटर क्या करता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिसके लिए आपके न्यूट्रिएंट की जो गति को मंद कर देता है। तो जिसके लिए अगर आज की इसको स्थिति को देखते हुए कहें तो हम इसको ये बोलेंगे स्लो डाउन द न्यूट्रंस, और मेरे हिसाब से यही आंसर सही है 36 का जो है, हम 3 पे ही मारेंगे स्लो डाउन द न्यूट्रंस, इस चीज़ को देखते हुए कि इसमें मॉडरेटर के रूप में अगर कैडमियम लिखा हुआ रहता तब तो हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब द न्यूट्रंस, चूँकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और मोर देन 75% जो आपके जो एटॉमिक रिएक्टर हैं आजकल वो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट कर्टेल के लिए, तो नेचुरली हम कहेंगे टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, कंपनशील रज्जू के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो सोनोमीटर है। सोनोमीटर से हम फ्रीक्वेंसी की पता करते हैं, वाइब्रेशन की पता करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज सोनोमीटर। नाउ द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए हम करंट की जब करते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो हम एमीटर से करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, दैट इज एमीटर। नाउ द नेक्स्ट, एक्सरे कैन बी यूज्ड, एक्सरे का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? देखिए यह धातु को काटने या वेल्डिंग के लिए नहीं किया जा सकता है, हृदय रोग को पता लगाने के लिए ये भी नहीं है। इन डिटेक्ट्स डिफेक्ट्स इन प्रेसियस स्टोन्स एंड डायमंड्स, हाँ किसी भी चीज में कि अगर उसमें अंदर में कोई क्रैक है, एक लकड़ी का टुकड़ा भी अगर ले लेते हैं सतह से सही देख रहा है अंदर से क्रैक है या नहीं, इस बात को बताने के लिए हम एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं हड्डी टूटी हुई है नहीं है उसके लिए भी एक्सरे इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं, उसी तरह डायमंड प्रेसियस जो बहुमूल्य पत्थर को, उसके अंदर में कोई क्रैक है कि नहीं उसको जानने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, प्रकाश का वेग क्या है? प्रकाश का वेग है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸
मीटर प्रति सेकंड जो है वो प्रकाश का वेग है।